गए, शर्ट पैंट जूता साबुन टूथपेस्ट टूथपेस्ट टूथब्रश डार्क ग्लासेस मोबाइल फोन आप लोगों ने सब खरीदना बंद कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान के दुकानदारों ने बेचना बंद किया। जैसे हिंदुस्तान के दुकानदारों ने बेचना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगार शुरू हो गई। तो हमें कहते हैं राहुल जी, न्याय योजना सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करेगा। राहुल जी, न्याय योजना दुकानदारों की मदद करेगा। न्याय योजना छोटा बिजनेस चलाने वालों की मदद करेगा, कोटा के एंटरप्रेनर्स की मदद करेगा। जैसे ही हमने न्याय योजना का पैसा जनता की जेब में डाला, वैसे ही जनता माल खरीदना शुरू करेगी। जैसे ही जनता माल खरीदना शुरू करेगी, हिंदुस्तान की दुकानें चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की दुकानें चालू हो जाएंगी, वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होगी, धड़ाक से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला, पूरी टीम बैठी थी, मैंने बोला देखिए एक बात बताइए, मैं ये 12 बजे रात को नहीं करना चाहता, 8 बजे शाम को नहीं करना चाहता। पहले हम पायलट प्रोजेक्ट चालू करेंगे, पहले हम इस थ्योरी को आइडिया को टेस्ट करेंगे और आस्ते आस्ते हम इसको रोल आउट करेंगे। मगर आप मुझे इस कमरे में गारंटी दे दो, क्योंकि मैं यही गारंटी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को देना चाहता हूं कि 72,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल सकती है। उन्होंने कहा मैं आपको गारंटी देता हूं, वही गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अब यहां पर बहुत सारे पुरुष हैं, मुझे खुशी हो रही है कि महिलाएं भी आई हुई हैं। और मैं साफ बोलना चाहता हूं, मैं मतलब बाद में मुझसे यहां जो पुरुष बैठे हैं मुझसे गुस्सा ना हो ना, मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर बाद में मेरे पास बताना ये आपने क्या कर दिया। मैं पहले बता रहा हूं, 5 करोड़ बैंक अकाउंट है, पैसा महिलाओं के नाम में जाएगा। अब आपने जो करना है उनसे बात कर लेना, पैसा उनसे ले लेना। मेरे पीछे मत पड़ना बाद में कि आपने क्या कर दिया, आपने महिलाओं को पैसा दे दिया। ये आपके बीच में उनके बीच में है, मैं बैंक अकाउंट तक पैसा पहुंचा दूंगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा कोटा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने शुरुआत की देखिए, और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं यहां बैठा था मैं सोच रहा था, सचिन ने मुझे बताया कि कोटा में नया एयरपोर्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने सचिन से पूछा क्यों, कहता है कि कोटा का जो एयरपोर्ट है वो शहर के बीच में है, वहां जगह नहीं है, उसको मतलब बड़ा करना मुश्किल है, और अगर हमें नया एयरपोर्ट बनाना है तो इतना आसान नहीं होगा। आपने बोला मुझे वापस बुलाओ उसे तो सचिन ने मुझे बोला कि इतना आसान काम नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, आसान हो या मुश्किल, कोटा को हमें दुनिया से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा था जनता से कि जब मैंने आपसे पूछा एयरपोर्ट के बारे में, तो आपने मुझे बताया कि एयरपोर्ट शहर के बीच में है और उस एयरपोर्ट को बड़ा करना इतना आसान नहीं। तो मैं जनता को बता रहा था कि हमारी जो बात हुई, तो मैंने सोचा कि ये इतना आसान काम नहीं है, मगर हमें ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि कोटा अब शिक्षा का सेंटर बन गया है। पूरा देश जानता है, पूरे देश के युवा जानते हैं कि कोटा ने कमाल कर दिया है, और अब इस सेंटर को बाकी दुनिया से देश से जोड़ना है। तो गहलोत जी जमीन देंगे, दिल्ली की सरकार अगर मुश्किल भी होगा हम कर देंगे। फिर कोटा क्या है, कोटा जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होता है, जो नई अलग तरीके की सोच होती है, जो नए काम करने का तरीका होता है, वो
कोटा का डीएनए। और आपका, मैं दुख से कहता हूं, आपका नुकसान नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से आपका जबरदस्त नुकसान हुआ है। शायद इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप भी उसको पहचान नहीं पा रहे। चोट लगी आपको, दर्द हुआ, मगर चोट से दर्द से ज्यादा हुआ। पूरा का पूरा पैसा छोटे दुकानदारों से, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों से छीनकर नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने अनिल अंबानी जैसे लोगों को बैंक अकाउंट में डाला। और हमने सोचा कि देश में रोजगार की जरूरत है, अनिल अंबानी रोजगार नहीं दे सकता, नीरव मोदी नहीं दे सकता, और अगर अनिल अंबानी नीरव मोदी नहीं दे सकते तो कौन दे सकता है? कोटा का युवा दे सकता है, राजस्थान का युवा दे सकता है। कैसे दे सकता है? छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस बनाकर। तो हमने युवाओं से बात की, मैनिफेस्टो बना रहे थे, हमारे लोग राजस्थान गए, शायद कोटा भी आए, और युवाओं से उन्होंने बात की, पूछा भैया बताओ हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी, आज 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स नरेंद्र मोदी जी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए हिंदुस्तान में रोजगार कैसे पैदा किया जाए? आप करोगे? आप हमें बताओ, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? दो चीजें कहेंगे, बढ़िया चीज ऐतिहासिक। पहली बात करी कि राहुल जी हम बिजनेस खोलना चाहते हैं कोटा, कोटा में छोटा सा कोई भी बिजनेस खोलना चाहे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस खोलना चाहता है परमिशन की जरूरत है। अलग 10-15 डिपार्टमेंट होते हैं, पता नहीं कहां जाना पड़ता है, जाते हैं एक डिपार्टमेंट में, जाते हैं कहते हैं भैया हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, कहते हैं भैया ठहर जाओ अभी परमिशन लेनी है। परमिशन के लिए एक डिपार्टमेंट में 10-15-20 दिन लगते हैं। अगले डिपार्टमेंट में जाओ फिर से वही बात, भैया हां उनसे आपने ले लिया मगर ये अलग परमिशन है, ये दूसरा है, ये भी लेना पड़ेगा। तीसरे डिपार्टमेंट में, चौथे, पांचवें, छठे में, 10 डिपार्टमेंट, 15 डिपार्टमेंट में जाओ। हिंदुस्तान के युवा, कोटा के युवा आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, पता लगता है पूरा का पूरा पैसा परमिशन लेने में चला गया, बिजनेस नहीं खुला। तो हमने निर्णय लिया है कोटा का कोई भी युवा, राजस्थान का, हिंदुस्तान का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है, अगर छोटा उद्योग लगाना चाहता है, अगर धंधा चालू करना चाहता है, उसे कोई, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में जो हथकड़ियां लगी है वो तोड़ना चाहता हूं, युवाओं के हाथ जो बने हुए हैं वो खोलना चाहता हूं। 3 साल कोई परमिशन नहीं किसी से, नहीं अशोक गहलोत जी से, नहीं सचिन पायलट, किसी से नहीं परमिशन लेने, किसी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेने। आप अपना धंधा शुरू करो, जो भी आप करना चाहो आप शुरू करो, कोई आपसे परमिशन मांगने नहीं आएगा। 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाए, आपने देश को 30-40 लोगों को रोजगार दिया, फिर आप जाना सरकार के पास, सरकार के डिपार्टमेंट में जाना और कहना भैया देखिए 3 साल पहले मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, अब मेरे लिए 30-40 लोग काम करते हैं, युवा काम करते हैं, मैंने देश को 40, देश के 40 युवाओं को रोजगार दिया है, अब मुझे परमिशन दीजिए। आसानी से आप परमिशन ले पाएंगे, बिजनेस तैयार होगा। और अगर आपका बिजनेस 3 साल में नहीं तैयार हुआ, छोड़िए, कोई परमिशन की जरूरत, भूल जाइए उसको, फिर से कोशिश कीजिए। अब नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, मैं आपको स्टेज से 2 करोड़ युवाओं को उसकी बात नहीं करूंगा, जैसे मैं 15 लाख की नहीं करूंगा, मैं 3,07,000 की करूंगा। मैंने घंटे लगाए, कांग्रेस पार्टी ने 5 महीने लगाए इस नंबर को निकालने के लिए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट से पूछ के आगे पीछे 5 महीने बाद हमने आपको यह नंबर दिया है। यह मत सोचिए कि ऐसे ही मैंने निकाल दिया नंबर, नहीं,
दुनिया ने सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछा, पांच महीने काम किया फिर नंबर दिया है, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, दो करोड़ का झूठ नहीं बोलने वाला मैं आपसे, मैं आपसे रिश्ता बनाने आया हूं, मैं आपको सच्चाई बोलूंगा। और सच्चाई में मैंने पता लगाई, मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, उसी टीम से मैंने पूछा एक बात मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान में कितने सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, हर प्रदेश में जाओ नेशनल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं मुझे बताओ। पूरा उन्होंने चेक किया, पता लगा 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। मैं आपको इसके लिए गारंटी देता हूं, एक साल के अंदर 22 साल नौकरियां। मगर मैं भैया आपको 23 लाख नहीं बोलूंगा, 25 लाख नहीं बोलूंगा, 70 लाख नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह झूठ होगा। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, चेक किया, चेक किया, 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दे दे, कहा जा सकता है इस स्टेज से, कांग्रेस पार्टी के स्टेज से कहा जा सकता है, क्योंकि यह सच है। अब चलिए थोड़ी सी मैं किसानों की और माताओं बहनों की बात करना चाहता हूं। किसानों से हमने पूछा सीधा जाके, भैया बताइए क्या बात है, हमने आपका राजस्थान में कर्जा माफ किया, बताइए क्या करा जा सकता है, 10 दिन की बात की थी 2 दिन में कर दिया, अब आप हमें बताइए, आप हिंदुस्तान की शान हो, आप हमें ऑर्डर दो, जो भी आप चाहते हो, आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है आप हमें ऑर्डर दो, हम करेंगे। किसान हमें कहते हैं, और देखिए क्या सुंदर सवाल पूछा, किसान हमें कहते हैं राहुल जी एक बात बताइए, हम रोज अखबार पढ़ते हैं ये अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया वापस नहीं दिया, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, नीरव मोदी भाग गया 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या भाग गया 10,000 करोड़ रुपए लेके, हमें अजीब सा लगता है। मैंने कहा क्यों राहुल जी, चोरी तो कहीं वो ठीक है, मगर एक बात हमें समझ नहीं आती, ये जो अरबपति लोग हैं कर्जा लेते हैं भाग जाते हैं, इनकी जेल नहीं होती, और हम 20,000 रुपए का कर्जा लेते हैं वापस नहीं देते हैं, दो डंडे मारते हैं हमें पुलिस वाले जेल में कर देते हैं।